ग्वालियर जिले के ग्राम महगांव में अज्ञात कारणों से बुधवार की रात भीषण आग लग गई थी, जिसकी चपेट में कई मकान आने से घर में रखी नकदी सहित अन्य सामान जलकर खाक हो गया। गुरुवार को राजस्व टीम महगांव पहुंची और नुकसान का आकलन किया। ग्वालियर जिले के ग्राम महगांव, इटमा, सालमपुर कॉलोनी, टेकपुर, किशनपुर, बाबूपुर आदि गांव में हुई आगजनी से दो दर्जन घरों में रखी नकदी, गृहस्थी का सामान सहित अनाज आग में जलकर खाक हो गया। भीषण आग की घटना में अपना सब कुछ खो चुके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं राजस्व की टीम ने आगजनी घटना का आकलन कर जल्द आर्थिक सहायता देने की बात कही है। नाम है आपका? राम बाबू। हाँ, आग कब लगी और कैसे लगी? आग रात में लगी थी। क्या क्या जल गया? पूरी घरमड़ैया जल गई, सामान सट्टा जो भी था सब पूरा वहीं उसी में जल गया। और चीज बस तो पैसा था, ना 80 मन गेहूँ थे, 70-80 मन करीब, कम से कम गेहूँ ने पैसा भी रखे थे, कुछ भी दे थे। लगभग कितने का नुकसान? 1 लाख हो गया भैया। और लगभग टोटल और ये टी के कागज थे मेरे, वो भी जल गए, सब कुछ जल गया। गांव में आग लगने से कितने घर जल गए और लगभग कितना नुकसान हो गया? कोई प्रशासन अधिकारी अभी तक नुकसान का आंकलन करने आया है या नहीं आया मौके? हमारे गांव में साहब 7 बजे के करीबन, 6-7 बजे के करीबन आग लगी, 10-12 घर लोगों के बच चुके। एक घर तो ऐसा है कि सब खत्म है, उसके पास कुछ नहीं, जेवरात जो भी था, और काफ़ी नुकसान हुआ है। कूप भी लोगों के बहुत बड़े हैं और अभी तक शासन प्रशासन की किसी की आवक जावक नहीं हुई है। तो जितने घर जले हैं वो उन्हीं के सबकी कच्ची मड़ैयाँ थी? हाँ, कच्ची मड़ैयाँ थी सबकी जी, कच्ची ही जली हैं साहब। इनके पीएम आवास आज तक क्यों नहीं बन पाए? पीएम आवास अभी तक मेरी लिस्ट भी लगी है 270 की, अभी तक आवास का था कोई सुन भी नहीं है। 10-20 आवास आए भी मैंने बनवा दे है। धनपाल सिंह यादव ने, मैं किशोरगढ़ का पटवारी हूँ और यहाँ लगभग पूरी कॉलोनी साहब लगभग 6 से 7 लोगों के घरों में आग लग गई है, जो लगभग संपूर्ण रूप से उनका घर जल गया, घरेलू सामान भी जल गया उसमें जो रखा हुआ था, और रुपये पैसे भी थे इनके पास जो कि पूरी तरह से जल के नष्ट हो गए हैं। इसके लिए शासन की तरफ से हम लोग जो भी कार्रवाई बनेगी पूरा रिकॉर्ड बनाकर उसमें कार्रवाई कराने की कोशिश करेंगे, उनको राहत दिलाने की कोशिश करेंगे। क्या आग लगने का कारण अभी तक पता चल सका है, किस कारण आग लगी? आग लगने का कारण तो गाँव वालों के अनुसार खेतों से ही बताया जा रहा है। नरवाई में कुछ आग लगी थी, तेज हवा चलने से वो आग गांव की तरफ उड़ के आई और उसमें गांव में आग लग गई। आगजनी का कारण तो अभी स्पष्ट नहीं है, आगजनी अज्ञात कारणों से हुई लगती है, और जो भी हमारे शासन का राजस्व पुस्तक परिपत्र में प्रावधान है उसके अंतर्गत भरपूर मदद की जाए, किसी भी प्रकार की सहायता कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। जी सर, जितने गाँव में आगजनी हुई है तो क्या मौके पर पहुँचकर आकलन किया गया है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं स्वयं होकर आया, प्रत्येक पीड़ित का आकलन किया। फिलहाल आगजनी की घटना के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इस भीषण आग में कुछ ऐसे परिवार भी प्रभावित हुए हैं जिन्हें घर पर कुछ दिनों बाद शादी होने वाली थी, लेकिन शादी के पहले आगजनी की घटना में उनका सब कुछ आग की भेंट चढ़ गया। फिलहाल देखना होगा कोरोना काल में प्रशासन कितनी मदद करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश, ग्वालियर।